दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हृदय, हृदय रक्षण। हृदय रक्षण मतलब हृदय का रक्षण करना। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान ने जो हमें ये अमूल्य जीवन मिला है उस जीवन का हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जिस चीज पर हमारा जीवन टिका हुआ है ऐसा हमारा हृदय, उसका रक्षण हर इंसान ने करना चाहिए। आजकल हम क्या देखते हैं कि दुनिया में हृदय रोग, हार्ट डिसीजेस बहुत बढ़ गई है। 20 साल के जवान लड़के को भी हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है, हम ऐसा अक्सर सुनते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आज का टॉपिक हृदय रक्षण हमने इसको चूज किया है। तो आज हम हृदय रक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे हार्ट डिसीजेस से हमको बचना चाहिए, तो ये टॉपिक लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी, हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। पहले हम हृदय के बारे में जानेंगे। हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल से आदमी मर गया, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हार्ट जिससे हार्द शब्द और हार्द से हार्दिक, हम किसी को भी हार्दिक मनोकामना या हार्दिक शुभेच्छा देते हैं, तो ये हार्दिक हार्द हार्ट तो हार्ट से ही ये बना हुआ है, या फिर हार्द शब्द से ही हार्ट शब्द बना है। ये हार्ट जो होता है हमारा हृदय, इसका वजन हमारे शरीर में एक एडल्ट शरीर में 300 से 350 ग्राम तक होता है। हमारे शरीर में टोटल 5 से 6 लीटर का खून होता है और एक बूंद खून का 20 सेकंड में हमारे पूरे शरीर का चक्कर काटता है। एक बूंद खून का हमारे शरीर में एक दिन में 1,92,000 किलोमीटर का प्रवास करता रहता है। और हमारा दिल जो होता है, हमारा हृदय, ये एक मिनट में 72 times ये धड़कता रहता है। एक दिन में यह 1,00,000 से ज्यादा धड़कता है। एक साल में देखा जाए तो 3.5 करोड़ से ज्यादा यह धड़कता है। ये हार्ट जो होता है, ये दिल, ये हृदय, ये मांसल अवयव है, एक हॉलो विस्कस है। इसकी इतनी ताकत होती है कि इससे अगर नली से देखा जाए तो ये खून को 30 फुट तक खून फेंक सकता है, उड़ा सकता है, इतनी ताकत इसके मांसपेशियों में होती है। यह आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह सद्य प्राणहर मर्म में इसको गना गया है, मतलब कि अगर इस पे कोई आघात होता है तो आदमी की तुरंत मौत हो जाती है, इसलिए यह सद्य प्राणहर मर्म है। चरक जी ने इसको जो 3 महामर्म बताए गए हैं, इन 3 महामर्मों में भी इसको सम्मिलित किया है हृदय को। और प्रेम वीरों के बारे में तो क्या कहना, तो प्रेम वीर तो अपना दिल ही किसी और को दे बैठे हैं। मेरे दिल के टुकड़े हुए 1,000, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, तो ऐसा दिल का हर उम्र में, हृदय का हर उम्र में इतना अनन्य साधारण महत्व होता है। अभी ये हृदय हमारे शरीर में बनता कैसे है, तो इसके बारे में आयुर्वेद कहता है कि रक्त और कफ के सार भाग से ये हृदय हमारे शरीर में बनता है। दश प्राणायतन जो कहे गए हैं, तो दश प्राणायतन में जिसमें हमारा प्राण का अधिष्ठान होता है, ऐसे 10 अवयवों में हृदय का भी सम्मिलित किया गया है। योग के दृष्टि से अगर देखा जाए तो योग में अनाहत चक्र जो षट चक्र है, उसमें से अनाहत चक्र हमारे हृदय में होता है, जो एक कमल के फूल के स्वरूप का होता है। यह रक्त वह संस्थान का मूल है, हृदय यह रक्त वह संस्थान का मूल है। यह एक मातृ अवयव है, मतलब हमारे शरीर में पितृज अवयव और मातृज अवयव, ऐसे 2 अवयव होते हैं, तो उसमें से यह दिल जो होता है, हमारा हृदय जो होता है, यह मातृज अवयव होता है। इसके बारे में चरक चिकित्सा में कहा गया है कि रस वाहनाम स्त्रोतसानाम हृदय मूलम, मतलब रस रक्त वाहन करने का जो स्त्रोतस है, जो सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसका मूल जो है यह हृदय है। आगे कहा है चरक जी ने विमान स्थान में कहा है प्राण वाहनाम स्त्रोतसानाम हृदय मूलम, प्राण व स्त्रोत जो होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसका मूल भी हृदय ही कहा गया है। नॉर्मल देखा जाए तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 से 80, मतलब सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। इसके अगर नीचे होता है तो उसे लो बीपी कहते हैं, अगर ज्यादा होता है तो उसे हाई बीपी कहते हैं। लो और हाई दोनों से ही शरीर में बीमारियां पैदा होती है, दोनों से ही कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। यह दिल की, हृदय की जो धड़कन होती है, जो मूवमेंट होती है, यह इनवॉलंटरी होती है, वो अपने हाथ में नहीं होती है, इंसान उसको अपने हाथ से बंद नहीं कर सकता। जैसे सांस लेना इंसान बंद कर सकता है, वैसा हृदय को रोकना अपने बस की बात नहीं है, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। मरने के क्षण तक ये अखंड तरीके से काम करता रहता है, धड़कता रहता है, एक क्षण के लिए भी उसने उसन नहीं कर लेता है। वो अगर एक क्षण के लिए भी रुक जाता है तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं और आदमी तुरंत मर जाता है। तो इसलिए यह कंटिन्यू ये चालू रहता है, ये चेतना का अधिष्ठान कहा गया है। हृदय रोग से मरने वालों की प्रमाण बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही भयंकर है। दुनिया में हर 4 मिनट में एक इंसान की हार्ट अटैक से मौत हो रही है, इस संशोधन में मालूम हुआ है, प्रतीत हुआ है। चरक जी आगे कहते हैं सर्वांगानम तस्य हृदय मूलम, पूरे अंग का मूल जो है वो हृदय ही है। मतलब अगर जैसे हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के बहुत सारे केसेस में पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाता है, लेकिन ब्रेन डेड होने के बाद भी हृदय चालू रहता है। जीवन तो खत्म हो जाता है लेकिन हृदय चालू रहता है। इसलिए
अगर मस्तिष्क ब्रेन भी डेड हो जाता है तो हृदय चालू रहता है। अगर हार्ट अटैक आ जाता है, हृदय रुक जाता है, तो हार्ट अटैक की वजह से आदमी तुरंत मर जाता है, लेकिन ब्रेन डेड होने के बाद भी आदमी मरता नहीं है, हार्ट चालू रहता है। हृदय का इतना महत्व है। और आयुर्वेद में तो हृदय और मन का विचार बहुत ही अच्छी तरीके से कहा गया है कि जो आदमी विचार करता है, निर्णय लेता है, वो अपने मन से लेता है, और मन का स्थान अधिष्ठान हृदय बताया गया है। आदमी दिमाग से कम और हृदय से ज्यादा विचार करता है, तो ये सब विचार जो है ये सूक्ष्म विचार है, ये चैतन्यमय विचार जो है ये सिर्फ आयुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। हृदय का जो स्थान होता है वह भगवान विष्णु का अधिष्ठान कहा गया है। हमारे शरीर में जो हृदय होता है उसमें भगवान विष्णु का स्थान होता है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए इसमें जो अनाहत योग में जो षट चक्र कहे गए हैं, अनाहत चक्र, वो कमल के फूल का अनाहत चक्र इसीलिए कहा गया है कि वहां पे कमल फूल जो होता है उसमें भगवान विष्णु का अधिष्ठान होता है। हृदय रोग जब होता है तो उसमें जो वेदना होती है, यातना क्लेश जब होता है तो वो हृदय में ही होता है। सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट में अगर हार्ट अटैक भी आता है तो उसमें हार्ट अटैक में पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता है। हृदय यह एक संस्कृत शब्द है जिसका तीन शब्दों में अगर हम डिवाइड करते हैं, ह, द और य, तो ह का मतलब होता है हरति, आहरति मतलब खींचना, द मतलब ददाति देना, वापिस देना, य मतलब यम्यते नियम्यते मतलब यह क्रिया खींचना और वापिस देना, खींचना और वापिस देना, यह क्रिया जारी रखना, यम्यते नियम्यते। र द य मतलब शरीर से खून को खींच लेता है, जो वेन्स होती है वो वापिस हार्ट का खून लाती है, और हार्ट जो होता है वो वापिस उसको ऑक्सीजनेटेड बनाकर वापिस आर्टरी के माध्यम से शरीर की तरफ उसको वापिस देता है। तो लेना और देना यह क्रिया चालू रखता है। तो ऐसा ये हृदय शब्द जो है ये तीन अक्षरों से बना है, जो संस्कृत शब्द है, वो कितना महत्वपूर्ण और कितना अर्थपूर्ण ये हमें ज्ञान होता है। हृदय का कार्य जो होता है ये हमारे जन्म के 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो 4 महीने में ही हमारा हार्ट धड़कना, हमारा हृदय धड़कना शुरू हो जाता है, वो अपना कार्य शुरू कर देता है। इसलिए हम जो जन्म से लेकर मरण तक हमारा आयु की गणना करते हैं तो एक्चुअली हमारे हृदय की आयु हमारे वस्तु आयु से ज्यादा होती है। हृदय में सिर्फ खून को लेना देना यही काम नहीं है, तो हृदय में भाव भी होती है, भावनाएं भी होती है, जो कि मॉडर्न साइंस के किसी भी पैरामीटर से आज तक मालूम नहीं पड़ा है कि इसके हृदय में कितनी भावनाएं हैं, कौन कौन से भाव इसके हृदय में छुपे हुए हैं, तो ये मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन भाव जो होते हैं, हमारी भावनाएं जो होती है, वो हमारे हृदय से जुड़ी हुई होती है, जो किसी भी परीक्षा से किसी भी पैरामीटर से मालूम नहीं पड़ती है। स्थान के हिसाब से अगर देखा जाए तो हृदय में ओज होता है, जो पर और अपर दो प्रकार का बताया गया है। तो ये पर ओज जो होता है, जो कि शरीर की कांति बढ़ाता है, शरीर में प्रभाव बढ़ाता है, पूर्ति देता है, प्रसन्नता देता है, संतोष देता है और मनोबल देता है। जब हृदय रोग होता है तो जब हृदय की शस्त्रक्रिया होती है तो शस्त्रक्रिया के बाद में उस पेशेंट का, उस इंसान का ओज घट जाता है, और ओज घटने से उसकी जो तेज होता है ऑरा वो कम हो जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, आक्रामक वृत्ति जो होती है उसकी कम हो जाती है, क्योंकि उसका हार्ट जो होता है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए हम हमारी रूटीन लाइफ में भी कहते हैं कि उसे शेर दिल इंसान होना चाहिए। तो ये शेर दिल इंसान, तो उसके बारे में दिल को ही क्यों नापा जाता है, शेर की ही क्यों सुनने देती है? तो लायंस हार्ट ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए इंसान में भी वही गणना की जाती है। और जिस पेशेंट का हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, चाहे फिर वो एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी हो, तो उसके बाद में वो हार्ट कमजोर हो जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस भी कम होने को हमको ऐसा प्रैक्टिकली हमें ऐसा देखा जाता है। तो ये इसी वजह से होता है कि उसके शरीर जो ओज होता है, पर ओज, वो कम हो जाता है। ये पर ओज अगर हमको बढ़ाना है तो इसके लिए हमें गाय का घी खाना चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए, आंवले के पदार्थ खाने चाहिए, और सबसे बड़ी बात स्वर्ण सिद्ध जल जो होता है, जो मतलब सोने से सिद्ध किया हुआ जल पीना चाहिए, तो जिससे कि पर ओज बढ़ जाता है। बाद में हृदय में वायु का भी स्थान होता है, जो 5 वायु कहे गए उसमें से व्यान वायु जो है, ये व्यान वायु हृदय में होता है। जो शब्दार्थी जल संतानवत मतलब शब्द जिसका दिशा जो होती है वो तिर्यक होती है, अर्ची मतलब अग्नि जिसकी दिशा ऊर्ध्व होती है, और जल जो गुरु गुण की वजह से गुरुत्वाकर्षण से उसकी दिशा जो होती है वो अधो होती है। शब्द अर्ची जल मतलब तिर्यक ऊर्ध्व और अधो, तो इसी दिशाओं में तो हृदय खून को पूरे शरीर में परिवर्तित और प्रसारित करता रहता है। तो यही कार्य व्यान वायु हृदय के हृदय में करता रहता है। ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन का इजाद जो है विलियम हार्वे ने 1628 में किया था, लेकिन उसके पहले ही 3000 साल पहले हमारे आयुर्वेद संहिताओं में ब्लड सर्कुलेशन का वर्णन हमें मिलता है। भेल संहिता में कहा है, हृदय रसो निस्सरति तत एव च सर्वत
माता सिरा भी हृदय प्रेति तस्मात हृदय प्रभाव सिरा हृदय सिरा मतलब हृदय से जो सिराई निकली है वो शरीर में खून का आदान प्रदान क्रिया करती रहती है। हृदय से सर्व शरीर से खून खींच लेती है और वो पुनः धमनियों द्वारा पूरे शरीर में उसको प्रसारित करती रहती है। ये भेल संहिता में इसका वर्णन हमें मिलता है ब्लड सर्कुलेशन का। बाद में हम बात करेंगे कि साधक पित्त की, हृदय में साधक पित्त जो होता है उसके बारे में कहा है कि इंद्रियार्थ साधनात साधकम, वाग्भट जी ने कहा है ये साधक पित्त अगर कम हो जाता है या फिर दूषित हो जाता है, विदाई हो जाता है, तो सीने में जलन या एसिडिटी होना, पित्त दूषित होना ये हमें मालूम हो जाता है। तो इसलिए भी जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है या सीने में दर्द होता है तो हमें ये कॉन्ट्रोवर्सी या फिर इसका मिसअंडरस्टैंडिंग डिफरेंशियल डायग्नोसिस एसिडिटी के साथ में इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि कभी कभार अगर हार्ट अटैक आता है तो सीने में भी जलन होती है, तो वो साधक पित्त के दूषितता की वजह से भी मिलती है। तो ये हो गया व्यान वायु के बारे में, साधक पित्त के बारे में, और कफ का जो पांच प्रकार है उसमें से अवलंबक कफ जो होता है वो भी हृदय में होता है। तो ये अवलंबक कफ कम होने से स्थानिक मजबूती कम होती है, स्थैर्य कम हो जाता है, मूड ठीक नहीं रहता है, बहुत सारे पेशेंट का कॉन्फिडेंस लूज हो जाने की वजह से उसको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा रो लूं, जो उसके पूर्व कर्म होते हैं उसके हिसाब से उसे कहीं ना कहीं प्रायश्चित पश्चाताप होता रहता है, तो उसे रो लूं ऐसा भावनाएं अपने आप प्रकट होती है। इसलिए आयुर्वेद में इसे अवलंबक कफ कम होने के लिए हृदय बस्ती देने का प्रावधान कहा गया है कि 14 से 21 बार हृदय बस्ती देनी चाहिए। हृदय जो होता है वो मन का स्थान है, उसके बारे में ऐसा कहा है तिल मध्य यथा तैलम पाषाणोन्वय कांचनम हृदय स्थाने स्थितम पद्म तस्य वक्त मधो मुखम ऊर्ध्व नालोम अधो बिंदुस्तस्य मध्य स्थितः मनः। योग तत्वोपनिषद में ऐसा कहा गया है जैसे कि तिल में तेल होता है और मिट्टी में सोना होता है, वैसे ही हृदय में कमल होता है और कमल के मुख में जो बिंदु होता है उसे पर ओज कहते हैं और इसमें मन स्थित होता है, ऐसा योग तत्वोपनिषद में कहा गया है। हृदय रोग जो होता है आजकल अवरोधजन्य मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बताया गया है कि हृदय के धमनियों में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हार्ट अटैक आते हैं, लेकिन हृदय रोग में 75% जो रीजन होते हैं वो मानसिक चिंता से होते हैं। इंसान को अगर कोई शोक होता है, कोई दर्द होता है या फिर कोई चिंता होती है तो ये चिंता की वजह से ये मनोदोष पैदा होते हैं और मनोदोष की वजह से हार्ट डिसीजेस पैदा होती है। मन का कार्य की जो शक्ति होती है वो बहुत ही अद्भुत कही गई है। मन जो हृदय में होता है, हृदय उसका स्थान है, तो यह एक सब्सटेंशियल मटेरियल कहा गया है। हृदय रोग के उपचार में मन और इंद्रिय प्रसन्न होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप पेशेंट को कितने भी पैसे दे दो लेकिन वो खुश नहीं होता, लेकिन जब उसको मन चाहे लोगों के साथ में रहने के लिए आप बात करेंगे, उसके इंद्रिय प्रसन्न होंगे, ऐसे अगर आप व्यवहार वार्तालाप उससे करेंगे तो ज्यादा खुश होता है। औषध से ज्यादा ये बातें इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए जो हृदय रोगी होते हैं उन लोगों ने सुबह शाम बाग बगीचे में टहलना, तीर्थ क्षेत्रों पर जाना, निसर्ग के सानिध्य में रहना, ये उसके हृदय के लिए, हृदय रक्षण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाफिंग थेरेपी भी इसमें हृदय रक्षण में बहुत अच्छे से कारगर साबित हुई है। मन को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, मन को जो अच्छा लगे वही औषध है हृदय रोग में, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि जो नौजवान होते हैं उनको भी हार्ट अटैक आते हैं क्योंकि उसमें ऐसा देखा गया है कि उनको मनपसंद जॉब नहीं मिलती है, जो लेकिन पैसा कमाना तो जरूरी है, इसलिए वो मन को ना भाई ऐसे जॉब भी करते रहते हैं, इसलिए भी यंग जनरेशन में हार्ट अटैक देखने को हमें मिलता है। हृदय में जो मन होता है उसका सत्व रज ये दो मन गुण है और तम जो है ये दोष होता है, तो सत्व रज तम का भी अधिष्ठान हृदय में ही होता है। इसके बारे में सुश्रुत संहिता में क्या है, तनयो मध्य अधिष्ठाय उरस्यम आशयम द्वारम सत्वरजस्तम आसनम अधिष्ठानम हृदयम नाम मर्म तत सद्य एव मरणम। जो सीने में दोनों स्तनों के बीच में जो होता है उरो भाग जो आमाशय के ऊपर होता है, आमाशय द्वार के ऊपर होता है, उसे हृदय कहते हैं और ये हृदय में सत्व रज तम का अधिष्ठान होता है, यह एक मर्म है और इसके इस पर आघात होने से सद्य मरण प्राप्त होता है, ऐसा सुश्रुत जी ने कहा है। हृदय पर आघात होने पर तत्काल मरण होता है, ये तो हम अक्सर सिनेमा में और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते रहते हैं। हृदय रक्षण के लिए आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, मलमूत्र आदि नैसर्गिक वेगों को धारण न करना। जी हाँ दोस्तों, आज के मॉडर्न मेडिसिन के साइंस में भी ये बात देखी नहीं गई है या उनको अभी तक समझी नहीं है, मल मूत्र के जो वेग होते हैं वो धारण नहीं करना चाहिए। मगर अगर आपको पेशाब लगे है तो तुरंत पेशाब करने के चल जाओ, उसको अड़ाओ मत, वेग को धारण मत करो, वेग को तुरंत निकाल दो, अगर ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए आयुर्वेद में कहा है वेगान्न धारित, जो भी वेग है 13 प्रकार के वेग कहे गए हैं तो इनको धारण नहीं करना चाहिए, इसको तुरंत शरीर के बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे कि झुंभा हो गई, मल त्याग हो गया, मूत्र विसर्जन हो गया, ऐसे 13 प्रकार के बताए गए तो ये तुरंत निकाल देना चाहिए। अगर ये
ये वेग रुकने पर शरीर हृदय पर भार आता है और हृदय प्रेशर से ही हार्ट अटैक आने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये वेगान धारित, तो ये वेग जो है ये रुकने नहीं चाहिए। ये मेडिकल साइंस में भी आज तक देखा नहीं गया है या उनको अभी मेडिकल साइंस में इसका समावेश नहीं किया गया है, लेकिन हृदय रक्षण के लिए हमें वेगों का धारण नहीं करना चाहिए, वेग तुरंत त्याग देनी चाहिए। तो वेग आने पर न करना, या फिर वेग आया नहीं है और उसको जबरदस्त आप ला रहे हैं, मतलब पेशाब आपको लगी नहीं है और फिर भी आप पेशाब करने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो इससे भी हृदय पर दुष्परिणाम होते हैं, तो ये भी बात टालनी चाहिए। दोस्तों आगे हृदय रक्षण के लिए मंत्र चिकित्सा का मैं आपको अवगत करना चाहूंगा। हृदय रोग को टालने के लिए या फिर जिन लोगों को हृदय रोग है उनका हृदय बचाने के लिए मैं आगे आपको दो मंत्र ऐसे बताऊंगा जिससे कि आप अगर आप उसको 12 से 108 बार कहेंगे सूर्य का स्मरण करके, सूर्य भगवान का स्मरण करके आप कहेंगे, तो यह मंत्र जाप करके आप आपके हृदय की रक्षण कर सकते हैं। तो ऐसा पहला मंत्र है जो ऋग्वेद में कहा है कि रुद्रोगम मम सूर्य हरिमानम च नाशयः, ऐसा ऋग्वेद में कहा है। और दूसरा मंत्र है जो दुर्गा प्रशस्ति में कहा गया है, हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। ये दो मंत्र है जो मंत्र चिकित्सा में कहे गए हैं जिससे कि आप आपका हृदय का रक्षण कर सकते हैं। हृदय रक्षण के लिए आपको और क्या करना चाहिए, तो हर रोज प्राणायाम करना चाहिए। हृदय के लिए जो प्रिय है मधुर और अम्ल, ये दो रस जो होते हैं, दो टेस्ट के जो पदार्थ होते हैं मधुर और अम्ल, तो ये चीजें खानी चाहिए। तो ये चीजें खाने से हृदय बलवान होता है और पथ्य का आहार विहार करना चाहिए। हृदय रोग को टालने वाले जो चीजें है, ज्यादा स्निग्ध पदार्थ खाना या फिर ज्यादा तले हुए पदार्थ खाना, भैंस का घी खाना, तो ये पदार्थ टालने चाहिए। पथ्यकर आहार विहार ही करना चाहिए। हृदय पल्लेकर द्रव्य कौन कौन से है, तो अर्जुनारिष्ट आप ले सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं। लहसुन को अगर आप गाय के घी में परत लेते हैं तो वो उनका उष्ण तीक्ष्ण गुण त्याग कर आपको एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक कार्य हृदय पर दिखता है। हृदय मांसपेशियां बलवान होती है लहसुन से। सुवर्ण सिद्ध जल पीना चाहिए, हृदय बस्ती करनी चाहिए और व्यायाम अपने शारीरिक बल के अनुसार ही करना चाहिए। ज्यादा दौड़ना भी नहीं चाहिए जिसके कि हार्ट पर ज्यादा प्रेशर आ सके। हम ऐसा भी देखते हैं कि जो लोग बिना स्नेहन किए ज्यादा ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ओवर एग्जैगरेटेड होते हैं और जो ज्यादा जॉगिंग करते हैं, तो उनको भी हार्ट अटैक होते हुए हमें देखा गया है। तो अपने शरीर के बल के अनुसार ही आपको एक्सरसाइज या व्यायाम करना है। अभी हृदय रोग के लिए पथ्य क्या है, तो इसके लिए आपको अनार खाने हैं, सफरचंद खाना है, अम्ल रस पदार्थ खाने, गाय का घी खाना है, ये पदार्थ है। और अपथ्यकर पदार्थ कौन कौन से हैं, तो आपको दही नहीं खाना है, वनस्पति तूप जो डालडा वगैरह होता है वो नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, काजू जिसमें कि ज्यादा एलडीएल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो काजू आपको टालनी चाहिए। शक्कर जो होती है, रिफाइंड शुगर, वो टालनी चाहिए। तो ऐसा हार्ट हृदय रक्षण जिनको करना है उन लोगों ने इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्वतंत्र सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी, क्या हृदय रहा होगा उन लोगों का, क्या शेर दिल इंसान थे वो लोग कि अपने मातृभूमि के लिए उन्होंने 7 समुद्र पार अनजान देश में, अनजान समुद्र में अपने देश के लिए मातृभूमि को स्वतंत्र दिलाने के लिए उन्होंने खौलते हुए समुद्र में उन्होंने कुदी लगा दी, क्या दिल रहा होगा हमारे सावरकर जी का, ये बहुत ही सोचने लायक बात है। दोस्तों आगे कहूंगा हृदय रक्षण के बारे में, अगर आपको हृदय विकृति है, अवरोधजन्य है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो इसका कारण जो भी है उसको दूर करना चाहिए। अगर वातादि कारण है तो वो दोषज उपचार करके आपको वो दोष दूर करना चाहिए। और सिर्फ अवरोधजन्य ही रुद्रोग नहीं होते, तो सत्व रजत तम जो होते हैं ये गुणों की दोषों की वजह से भी रुद्रोग होते हैं, तो इसके लिए मानसोपचार करना जरूरी है। इसलिए आध्यात्मिक मंत्र भी जरूरी होते हैं, योग प्राणायाम जैसा मैंने आपको उल्लेख किया, अनुलोम विलोम करना, योग में आसनों में अर्धमत्स्येन्द्रासन, भुजंगासन और धनुरासन, इन आसनों से हृदय का भी एक्सरसाइज होती है। यौगिक शुद्ध क्रियाएं जो होती है, वारिसर और दंड धोती, ये दोनों करने से भी हृदय बलवान होता है। तो दोस्तों ये अगर बातें आप इसका पालन करेंगे तो आपके हृदय के जरूर रक्षण होंगे। जाहिर है कि हमें ये वीडियो बनाने में बहुत ही आनंद महसूस हुआ कि आप लोगों के साथ में आपका हृदय रक्षण करने के लिए हमने ये जानकारी आप लोगों के सामने रखी है। दोस्तों आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल निराम वसुधा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, और आप जिनका हित चिंतन करते हैं, जिनका कल्याण करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हम आपके लिए जो अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे वो आप तक जैसे हम अपलोड करेंगे तो आपको उसका इंटीमेशन मिलता रहे। और आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा इसलिए आपका धन्यवाद।